गोंडा के कलेक्टर नेहा शर्मा ने मंगलवार को पहला गांव चौपाल कार्यक्रम शुरू कर लक्ष्मणपुर जाट गांव पहुंची, जहां पर राजस्व, पुलिस, विकास, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, पोषाहार, राशन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मौके पर डीएम शर्मा ने पंचायती राज के काम को देखा और समस्याओं को लेकर सवाल किया। अधिकारी व कर्मचारियों के पसीने आ गए। गांव में चौपाल खत्म होने पर अधिकारी व कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। झजरी विकास खंड का लक्ष्मणपुर जाट का स्कूल पीएम श्री में लिया गया और अतिक्रमण हटवाकर चार दीवारी बनवाई गई। यहां पर चौपाल में बिजली, पानी, राशन, गौशाला, आयुष्मान कार्ड के मामले आए, जिस पर डीएम ने संबंधित को आवश्यक कार्रवाई का आदेश दिया। साथ ही सड़क बनाने के लिए डेडलाइन दी। सफाई कर्मी की शिकायत पर चेतावनी दी गई। जल निकासी व सड़क निर्माण रोकने वालों पर कार्रवाई की जाए। पवन कुमार दुबे ने गोंडा कचहरी स्टेशन पर अंडरपास बनवाने की मांग की। स्कूली ध्वस्तीकरण पर बीएसए से जानकारी ली। कोतवाल से गाँव में अपराध की जानकारी ली और कोटा चयन को लेकर प्रभारी कार्रवाई की जाएगी। कोंडा से दैनिक भास्कर के लिए हरि नारायण शुक्ल की रिपोर्ट।